क्या ज़्यादा हेडफोन इस्तेमाल करने से भी टिनाइटस हो सकता है? आइए सुनते हैं फीडबैक। थैंक यू सो मच सर, अपना वीडियो फीडबैक शेयर करने के लिए। सर, आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उम्र है 27 ही। मैं पंजाब बरनाला से बिलोंग करता हूँ। ओके, ठीक है सर। आपको ये समस्या कैसे स्टार्ट हुई और आपने इसके लिए डॉक्टर को कहाँ कहाँ दिखाया? समस्या मुझे ज्यादा हेडफोन यूज करने से हुई थी। अच्छा, ठीक है। और आपने इसके लिए कहाँ कहाँ दिखाया डॉक्टरों को? मैंने 2-3 ENTs को दिखाया था जी, ठीक मुझे है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने यूट्यूब से देखा था आपका, फिर मैंने मैडम से कनेक्ट कर लिया था जी। ठीक है। तो सर, जैसे कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो अभी ओवरऑल मैं आपसे पूछूं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी पहले से अभी कैसी है? बेटर है अभी पहले से? बेटर है मैम। बेटर, मैंने ना मैम शुरुआती दौर में इनसे कनेक्ट कर लिया था, मुझे ओके। कोई बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है सर। तो आपको अगर मैं परसेंटेज में पूछूं, अभी ओवरऑल 100 में से कितना परसेंट बेटर लग रहा है आपको? 90% बेटर। 90% बेटर लग रहा है आपको? ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगता, अभी खुश हैं आप पहले से? जी। ठीक है सर। तो सर, जैसे आपको काफ़ी सारे पेशेंट सुन रहे होंगे, उनको अवेयरनेस नहीं होती इन सब चीज़ों के, टिनाइटिस से रिलेटेड, तो क्या आप उन पेशेंटों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहिए? मैं तो मैम आपको ही रिकमेंड करूंगा ही, क्योंकि मैंने तो पहले 2-3 जगह पर दिखा लिया था, उसका कोई ट्रीटमेंट था नहीं क्योर जी। ठीक है, ओके सर। सर, आपके पास डिवाइस है जो आप यूज़ कर रहे हैं, एक बार दिखा सकते हैं डिवाइस? अभी अच्छा, नहीं है, अवेलेबल कोई बात नहीं सर। एक लास्ट चीज़, आपका ये वीडियो फीडबैक हम पेशेंट्स के अवेयरनेस के लिए अपने यूट्यूब पे डाल सकते हैं? नहीं है जी। डाल दीजिए। थैंक यू सो मच सर।